अरे हमारा ऐसा खाइए भाई, अरे हमारा ऐसा खाइए, हम बेटा है ना। अरे नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज़ कनेक्शन पर। चुनाव जीतने के बाद तो खूब मिठाइयां खाई और खिलाई जाती है, लेकिन क्या आपने देखा है कि कोई चुनाव हारने के बाद भी मिठाई खिलाता है? ऐसा ही कुछ बिहार में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। दरअसल मुकेश सहनी कुर्नी के चुनाव में दमखम के साथ उतरे थे, लेकिन वहां पर बीजेपी ने सीट को जीता, तो मुकेश सहनी जनता के बीच चुनाव हारने के बाद भी मिठाई लेकर पहुंच गए। दरअसल मुकेश सहनी का मानना है कि क्योंकि जनता ने जो भी प्यार उनको दिया है, ऐसे में उनका आभार व्यक्त करना तो बनता ही है। किस तरीके से मुकेश सहनी जनता को, यानी कि जो स्थानीय वोटर है कुर्नी की, उसको खुद से मिठाई खिला रहे हैं, और किस तरीके के जीत के नहीं जीत करके वो जीत के आए हैं ऐसा दिखा रहे हैं, सुनवाते हैं। उसमें जो गाइडलाइन लिखा उसको ध्यान रखना है, बस आपके नजदीक तो 2 मिनट में पहुंचे जाता दर्शक पहले। कहाँ बच्चे लोग नहीं है? उनको भी दे और लोगों को भी। सर हमारे युवा अध्यक्ष अपने हाथ से खिलाते हैं, इनकी इच्छा है कि सर के हाथ से खाएं। हमारे युवा अध्यक्ष लड्डू बांटा जाता है, आपने बीजेपी को हरा दिया तो बांटा है, यहाँ पर क्या बीजेपी को जीत? देखिए, हम किसी को हराने के लिए कभी नहीं उतरेंगे या ना उतरे हैं, हम अपने आप को जीतने के लिए उतरे हैं। यहाँ पे हमने लड़ाई लड़ा बहुत ही अच्छी तरीके, शानदार। हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लड़े हैं, और यहाँ पे हमें कुर्नी के जनता ने 10,000 वोट दिया है, और हम 10,000 वोट को मानते हैं कि जीत है हमारी। कल तक हम जीरो थे, कल तक निषाद को लगता था कि बिहार के में निषाद मतलब मछली मारने वाला मल्ला है, आज बिहार के राजनीति में खड़ा है और अपने वोट को लेकर, अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारे कहने पे 10,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिला, तो ये हमारी जीत है, तो इसलिए इसको जीत में लिया। और जीत का जश्न हम अपने लोगों के बीच में निकले हैं, घी का लड्डू लेकर घूम रहे हैं और बांट रहे हैं। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, हमारे लोग हमारे पे भरोसा किया, ये हमारी उपलब्धि है। आज इतने बड़े बड़े महागठबंधन हो या NDA हो, ऐसे पार्टी के सामने में हम लड़ लिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने अपने दम पर लड़ाई लड़कर और बिहार में राजनीति अपने हिसाब से खड़ा किए और अपना वोट को ट्रांसफर करने का क्षमता बनाए। आज उसी के रास्ते पे चलकर संघर्ष करके अपना वोट को हम अपने प्रत्याशी के प्रति ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। आप बात देख लीजिए, 1990 से लेकर 2022 के बीच में 3 नेता के अलावा चौथा नेता कोई नहीं बना, लेकिन आज हमने चौथा नेता अगर आप पूछिएगा बिहार में तो सनब मल्ला नाम आएगा कि भाई सिमरी बख्तियारपुर में हमने वोट ट्रांसफर किया, हमने बोछा में वोट ट्रांसफर किया 30,000, कुरहनी में 10,000 वोट ट्रांसफर किया, ये हमारी उपलब्धि है। हाँ, भाजपा ने यहाँ एक रणनीति बनाया था, कुछ हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके 3-3 निषाद समाज से कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इसलिए क्षेत्र को जनता को भरोसा नहीं हो पाया कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वोट में थोड़ा बिखराव हुआ, 5,000 वोट हमारा उधर चला गया और कहीं ना कहीं मैसेज सही नहीं था, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन ये 10,000 वोट भी कम नहीं है, आज 3,000 वोट से जीतने के बाद देश का प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके और दिल्ली से कहे कि हमारे कुर्नी में जीत हुआ। अगर वही अगर 10,000 वोट अगर महागठबंधन को मिल जाता तो वो 7,000 से जीतते, तो आज हम फैक्टर बन गए हैं बिहार में। तो इसलिए आने वाले समय में, अभी केदार गुप्ता ने कहा कि निषाद समाज को हमको वोट नहीं मिला, पेपर में भास्कर में स्टेटमेंट दिए, तो ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। उनके सांसद रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के लोगों VIP खड़ा होने के कारण नहीं वोट मिला, अगर VIP नहीं होता तो हम 20,000 वोट से जीतते। तो कहीं ना कहीं हम किसी का रुकावट है, किसी को हार का फैक्टर बन रहे, किसी को जीत का फैक्टर बन रहे, तो ये हमारी उपलब्धि है। तो आने वाले समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे हाथ में क्या है, हमारे लोगों ने 75 साल से संघर्ष किया, अभी तो हमें 4 ही साल लगा है संघर्ष करने में। कि बीजेपी और दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी 35,000 से 10,000 के नीचे आ गए, ठीक है, उनको जो बोलना है वो बोले। आज हमने
2020 के बाद दो चुनाव हुआ। चार चुनाव में दो चुनाव हमने लड़ा, एक जगह 10,000, एक जगह 20,000, यानी कि हमारे पास 40,000 वोट आया। और आज देखिए LJP ने लड़ा दो जगह मिला के 10,000 वोट आया, तो 40,000 कहाँ, 10,000 हम किसी से कम थोड़े। आज बिहार में 3 नंबर की पार्टी है, और भी संघर्ष करेंगे। आज 10,000 हुआ, यही हमें जीत दिलाएगा। कल हमारे लोग जागरूक होगा, कल 10,000 का 30,000 में बदलेंगे, और एक समय आएगा 70,000 में बदल के अकेले चुनाव जीत सकते हैं। तो ठीक है, हम जो हमें कमी लगा महसूस हो रहा है, हमारे लोगों को लोगों ने गुमराह कर दिया, पैसा वैसा दे के गुमराह कर दिया, आने वाले समय में और संघर्ष करेंगे। और कल तक तो हमारे पास एक भी वोट नहीं था, आज 10,000 है ना, यही इसी को हम लोग जीत मानते हैं। क्या महागठबंधन और NDA से अलग आप कोई फ्रंट बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम आने वाले समय में 24 में किसी गठबंधन में लड़ेंगे, और किस गठबंधन में लड़ेंगे वो समय आएगा बताएगा। अभी फिलहाल हम अपने इतना तय है गठबंधन में लड़ेंगे, और आने वाले समय में पहले अभी एक साल हमको संगठन पे लगना है, संगठन को मजबूत करना है। धन्यवाद। एक हमारे मित्र हैं सर, इनको थोड़ा अपने हाथ से खिलाइए। हो गया बाबा, बाबा को खिला। अभी मिठाई खाइए, अभी बहुत मेहनत की है। अरे खाइए, मेरा हाथ खा लिया। आइए आइए, हेलो, आशीर्वाद दीजिए, ठीक रहेगा। हम खा लिए, ये संजय को खिला दीजिए। वो संजय मिठाई खिलाना पड़ा। हाँ, वो संजय जी, आए संजय जी, आए। चलिए, अरे हमारे यहाँ से खाइए भाई, अरे हमारे यहाँ से खाइए, अरे हम बेटा है ना, अरे हम सर दे रहे हैं, आप हटिए ना। हेलो, हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपने सब बनाइए, बनाते नहीं थे इतना। सब आदमी मेहनत करो, सब आदमी अपने आप को मुख्य सही मान लीजिए, मेहनत करिए, अब इससे सब सोशल सोशल जात को जोड़ना है। पीछे देख लीजिए सर, पीछे, इधर 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 पीछे।